Welcome to this new batch of CA Final, Strategic Financial Management. One of the most interesting subjects of your syllabus. अपने syllabus में आप जितनी चीजें पढ़ते हैं, उसमें real life के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई subject है, तो वो Strategic Financial Management subject है. ये paper महज एक 100 marks का पेपर नहीं है सिलेबस में, बल्कि आपकी लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पेपर प्रूव होगा. अगर आप फाइनेंस को अपना करियर चूज करते हैं, तो डेफिनेटली योर ग्रोथ विल बी बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बहुत तेजी से आप तरक्की करेंगे, चाहे बात पैकेजेस की हो या फिर किसी और तरह की. तो चलिए इस जर्नी की आज हम शुरुआत करते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें, तो न केवल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करें, जो कि आपके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि साथ साथ में हम लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करें कि रियल लाइफ में ये चीजें कैसी होती है जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं. शायद आपका अभी उतनी दूर तक का विजन नहीं है, लेकिन बिलीव मी, उस एंगल से पढ़ने से न केवल आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा, बल्कि एज ऑफ टुडे आज भी कंसेप्ट पर ग्रिप बनाने के लिए आपको बड़ी मदद मिलेगी. सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, और फिर एग्जाम में इसका पेपर किस तरह से आता है उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे. आप देखें यहां पर, I'll just tell you. ये कुछ चैप्टर्स हैं. मार्क्स वाले कॉलम को एक बार के लिए मैं यहां पर हाइड कर देता हूं, सो दैट अभी हमारा ध्यान मार्क्स पर नहीं रहे और सिर्फ हम इस बात पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए कि हमारे सिलेबस के चैप्टर्स कौन से हैं. अगर आप एक कॉपी लेकर के बैठे हैं, तो आई विश कि आप जरा नोट कर लीजिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं. अब देखिए, सबसे पहले आप लिखें फॉरेक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट. नोट किया आपने? ओके. दूसरा नाम आप लिखेंगे पोर्टफोलियो. इसका पूरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं. फिर तीसरे चैप्टर का नाम आप लिखें डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस. एंड व्हाट शुड आई से कि रियल लाइफ के सबसे नजदीक अगर कोई चैप्टर है, क्लास में पढ़ने के बाद लाइफ में सीधे अप्लाई करने की अगर आप किसी चैप्टर को कोशिश करें, तो वो यही चैप्टर है, विच इज एक्चुअली डेरिवेटिव्स. इसके बाद में नेक्स्ट नेम इज मर्जर. मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इसका पूरा नाम दिया जा सकता है, बट यू कैन कॉल इट मर्जर. तो मर्जर चैप्टर है और उसी से एसोसिएटेड एक चैप्टर है. हम इन दोनों को साथ में मिलाकर के भी पढ़ सकते हैं. एंड इट इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. लिखिए हमारे सिलेबस के अगले चैप्टर का नाम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. एक्चुअली ये मर्जर का ही एक हिस्सा है. तो देखा जाए तो हमारे सिलेबस में सिर्फ चार टॉपिक्स हैं, चार मेजर टॉपिक हैं. एक फॉरेक्स, एक पोर्टफोलियो, एक डेरिवेटिव्स और एक मर्जर. दैट्स इट, फुल स्टॉप. लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स नजर आएंगे, क्योंकि एक्चुअली स्टडी मटेरियल ने इन्हीं चैप्टर्स को एक या एक से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है आई शुड से. और कुछ थियोरी चैप्टर्स भी हैं. तो इसके बाद में आप लिखिए, रिस्क मैनेजमेंट. छोटा सा चैप्टर है ये, वैल्यू एट रिस्क के नाम से हम इसको पढ़ेंगे. रिस्क मैनेजमेंट एंड मिसेलेनियस
प्रैक्टिकल चैप्टर्स, ऐसा लिख लीजिए आप, और उसके बाद में आप लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी किसी एक चैप्टर में नहीं दी है, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में थ्योरी स्कैटर्ड है, और कुछ हार्डकोर थ्योरी चैप्टर है एक तो वो हमको पढ़ना होंगे, और दूसरा न्यूमेरिकल्स पढ़ते समय पर भी कंसेप्ट के एंगल से हमको थ्योरी पढ़नी होगी। ये हमारा सिलेबस है, और एक्चुअली देखा जाए तो चार चैप्टर ही हमको पढ़ने हैं, फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव और मर्जर। अगर ICAI के स्टडी मटेरियल में जाकर के देखा जाए तो वहां पर सिलेबस कुछ इस तरह से नजर आता है। यू कैन लुक हियर, ये सिलेबस है, आप देखिए, एक चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ICAI के स्टडी मटेरियल में, जो कि एक्चुअली सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, प्योर थ्योरी है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अगेन अ प्योर थ्योरी चैप्टर। रिस्क मैनेजमेंट, मोर अ न्यूमेरिकल एंड लेस अ थ्योरी चैप्टर, बहुत छोटा सा है साइज में, ज्यादा बड़ा नहीं है। सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसका 50% पोर्शन थ्योरी है और 50% पोर्शन न्यूमेरिकल है। एक्चुअली हम इस चैप्टर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये देखिए चैप्टर नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में एक्चुअली हम उसको अगेन क्लासिफाई करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद में एक चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि ऑब्वियसली हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ही क्लासिफाई करेंगे। फिर एक थ्योरी है सिक्योरिटाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड, जिसको हम पोर्टफोलियो में क्लासिफाई करते हैं। फिर आता है डेरिवेटिव्स, जो कि एक अपने आप में सेपरेट चैप्टर है। फिर 10 और 11 नंबर पर दिया है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। इनफैक्ट हम अपने सिलेबस की शुरुआत इस ही चैप्टर से करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बिट डिफिकल्ट भी है ये चैप्टर। और उसके बाद दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको भी मैं फॉरेक्स में ही क्लासिफाई करूंगा। तो मेरा अपना एक क्लासिफिकेशन होगा, मेरा अपना एक ढंग होगा चैप्टर्स को पढ़ने का। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसको मैं डेरिवेटिव्स में क्लासिफाई करूंगा। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसको मैं मर्जर के साथ क्लासिफाई करूंगा। मर्जर एंड एक्विजिशन, ऑब्वियसली वो मर्जर का ही हिस्सा होगा। फिर एक थ्योरी आएगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हार्डकोर थ्योरी है, छोटी सी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में इसमें इस्लामिक फाइनेंस का कंसेप्ट भी होगा, दैट वी विल डिस्कस। स्टार्टअप फाइनेंस एक थ्योरी है, दैट वी विल स्टडी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्योरी है, जो हम पढ़ेंगे। सो एज पर स्टडी मटीरियल देर आर 7 चैप्टर्स, लेकिन अगर आप मेरी तरफ से देखना चाहें तो देर आर 1, 2, 3, 4 मेजर चैप्टर्स, 1 माइनर प्रैक्टिकल एंड द रेस्ट इज थ्योरी। टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर एज पर माई क्लासिफिकेशन। एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है वो देखना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा आप, लुक हियर, सॉरी, आप देखें एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एक पेपर में 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 या 4 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्चुअली कंपलसरी, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं और 1 4 मार्क्स की थ्योरी होती है। जैसे कोई एक पेपर रैंडमली मैंने लिया और मैंने देखा कि क्वेश्चन 1A मर्जर का क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स, क्वेश्चन 1B फॉरेक्स का क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स के लिए, और 1C में थ्योरी पूछी गई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। अब बचे क्वेश्चन 2 to 6, 2, 3, 4, 5,
6. इन 5 क्वेश्चंस में से आपको अपनी पसंद के 4 क्वेश्चन करना है. तो पहला क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का हो ही गया, बाद में 4 क्वेश्चन और आप 20 मार्क्स के करेंगे, ऐसे करके 21 हो गया और 20 20 20 20 4 और हो गए, टोटल 50 मार्क्स, सॉरी 100 मार्क्स यहां पर हो गया. 20 मार्क्स का कंपलसरी और 80 मार्क्स में आपके पास में एक्स्ट्रा चॉइस आ जाती है. तो पेपर 120 मार्क्स का है बिकॉज देर आर 6 क्वेश्चंस और इन 6 क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है. 120 नंबर के पेपर में 20 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ के 100 मार्क्स का एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. आप देखें यहां जो रेड फॉन्ट में मैंने दिया हुआ है वो थ्योरी को इंडिकेट कर रहा है. अब क्वेश्चन 2, इसमें 10 मार्क्स का पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आया, 6 मार्क्स पोर्टफोलियो आया, 4 मार्क्स की बेसिक थ्योरी आ गई चैप्टर 1 में से. फिर क्वेश्चन 3, इसमें 5 मार्क्स का कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आ गया, 10 मार्क्स का पोर्टफोलियो पूछ लिया प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स की एक थ्योरी पूछ ली जो कि हार्ड कोर थ्योरी चैप्टर में से नहीं पूछी गई, जो कि डेरिवेटिव्स नाम के न्यूमेरिकल चैप्टर में से पूछी गई. फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, 8 मार्क्स मर्जर, 4 मार्क्स डेरिवेटिव्स और 4-4 मार्क्स की दो थ्योरी है जिसमें से एक न्यूमेरिकल थ्योरी है CAPM पोर्टफोलियो का पार्ट है और इस्लामिक फाइनेंस जो कि हार्ड कोर थ्योरी है. फिर क्वेश्चन नंबर 5, 8 मार्क्स पोर्टफोलियो, 8 मार्क्स डेरिवेटिव्स और 4 मार्क्स की थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 6, 8 फॉरेक्स, 8 इज रिस्क मैनेजमेंट जो कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है एंड 4 मार्क्स इज पोर्टफोलियो एंड 4 मार्क्स इज फॉर थ्योरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पुराना पेपर पैटर्न ऐसा था कि एक पूरा सिंगल थ्योरी क्वेश्चन होता था और उसके अंदर थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं होता था, तो उसको छोड़ के आप 100 मार्क्स का न्यूमेरिकल SFM में अटेम्प्ट कर सकते थे. लेकिन अभी आप कैसा भी क्वेश्चन चूज करें, हर क्वेश्चन का सी पार्ट डी पार्ट जो है वो थ्योरी है, तो अराउंड 20-25 मार्क्स की थ्योरी तो आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी. अगर चॉइस में आपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको तब भी मिनिमम 21 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी. और कोई 4 मार्क्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया चॉइस में, तब मैक्सिमम 25 मार्क्स की थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी. सो व्हाट कैन आई से इज कि 100 मार्क्स में से 20-25 नंबर तो थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी. इस 20-25 नंबर में से भी 10-15 नंबर जो है वो टेक्निकल थ्योरी होगी जो रटने की जरूरत नहीं होती है, और रिमेनिंग हार्ड कोर थ्योरी होगी जो याद करने की, मेमोराइज करने की, थोड़ा रटने की जरूरत होती है. अब जो ये एक पेपर हमारे सामने है, इसमें अगर मैं मार्क्स का एनालिसिस करूं तो देखिएगा कि किस तरह से पूछा गया. लुक हियर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पूछा गया 16 मार्क्स, पोर्टफोलियो वूपिंग 38 मार्क्स, डेरिवेटिव्स ओनली 12 मार्क्स, मर्जर एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इनको मिला के मैं एक ही मानता हूं 21 मार्क्स, रिस्क मैनेजमेंट एक न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स एंड थ्योरी 29 मार्क्स. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि 120 नंबर में 30 नंबर थ्योरी है, वही 25%, 90 मार्क्स न्यूमेरिकल है, दैट इज 75% न्यूमेरिकल, और 3-4 में जो चैप्टर है फॉरेक्स पोर्टफोलियो डेरिवेटिव और मर्जर. डोंट यू थिंक कि पोर्टफोलियो ही ज्यादा आएगा, किसी पेपर में डेरिवेटिव्स ज्यादा आके पोर्टफोलियो भी कम हो सकता है, किसी में मर्जर भी और ज्यादा पूछा जा सकता है, किसी में कम भी हो सकता है. तो आप हर चैप्टर को पढ़ें और हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें. ऑलराइट, ओके. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. स्टडी मटेरियल को अगर आप देखें, सिलेबस को देखें, तो ऐसे 2 चैप्टर्स वहां पे दिए हुए हैं. चैप्टर नंबर 10 इज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर. आप देखिए यहां पर दिस इज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड द अदर चैप्टर इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो हम लोग एक इमेजिनेशन के साथ में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. लेट्स इमेजिन
हैड द वर्ल्ड बीन अ ग्लोबल विलेज, अगर ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ एक ही गांव होती, एक शहर होती, या यूं कहो सिर्फ एक देश इस दुनिया में होता, पता है उसका क्या इंपैक्ट आता? इन दैट केस पूरी दुनिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता, पूरी दुनिया में एक जैसा लॉ चलता, पूरी दुनिया में एक जैसा कल्चर होता। वेस्टर्न कंट्रीज में जो कल्चर है वही कल्चर हमारे यहां पर होता, और वाइस वर्सा जो हमारा कल्चर है वही वहां पर भी होता। पूरी दुनिया का एक जैसा खान पान होता, पूरी दुनिया की एक ही लैंग्वेज होती, प्रॉब्लम खत्म हो जाती हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड दिस मीडियम एंड दैट मीडियम। कोई स्पेनिश नहीं होती, जर्मन नहीं होती, चाइनीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से पूरी दुनिया की एक ही करेंसी होती। सो व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट इन दैट केस? सिलेबस में से एक चैप्टर कम हो जाता, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बट प्रैक्टिकली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पॉलिटिकल बाउंड्रीज। व्हाट आई कैन से हियर इज जस्ट लुक। मदर नेचर ने तो हमको एक प्लैनेट अर्थ दे दिया और बोला कि भाई सब लोग यहां पर मिलजुल करके आराम से रहो, लेकिन हम लोग इतनी मीन मेंटालिटी के निकले कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हमने बहुत सारी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। पूरी दुनिया एक शहर एक गांव नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री है और ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, और ये तजाकिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है, और ये अजरबैजान है, और ये टर्की है, और ये बुल्गारिया है, और रशिया है, और अमेरिका है, और न जाने क्या क्या। हमने मदर नेचर के ऊपर बाउंड्रीज खींच दी और उन बाउंड्रीज के अंदर की हर एक पार्ट को हमने क्या कह दिया, कंट्री। उसको हमने कहा कि ये एक देश है, और हर देश की अपनी एक अलग करेंसी बना दी। बट लुक, प्रॉब्लम अलग देश बना देने भर से ही नहीं आ गया। प्रॉब्लम की जो मेन वजह यहां पर आई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, इज कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से डील करना स्टार्ट कर दिया और हमने कहा क्यों डील करना स्टार्ट कर दिया हमने एक दूसरे से, उसकी भी अपनी एक वजह है। यार आप ऐसा इमेजिन करो, आप सोचो कि आप चार लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और भाई बहन कजिन्स, और मम्मी ने एक थाली परोस करके आपको दे दी, और आपने सबने मिलजुल के साथ में खाने की जगह पर क्या करा कि एक परमानेंट मार्कर पेन लाए और थाली में चार लाइनें खींच करके डिवाइड कर ली, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा, ये तेरा, एक दूसरे के हिस्से में कोई नहीं घुसेगा। हियर अराइजेस द प्रॉब्लम, मेरे हिस्से में सिर्फ दाल आ गई, आपके हिस्से में सिर्फ रोटी आ गई, इस बेचारे को तो अचार पापड़ के अलावा कुछ मिला ही नहीं। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर अच्छे से खाना खाना है तो तुम मुझे दाल दो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, टाइप ऑफ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये जो बाउंड्रीज थाली में खींच दी इधर से उधर और उधर से इधर, बाउंड्री को, स्टफ को क्रॉस करवाना पड़ेगा। और वही हमारे साथ भी हुआ कि मदर नेचर ने हमको प्लेनेट अर्थ दे दिया और हमने उस पर बाउंड्री खींच दी, लेकिन सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी की जमीन के नीचे मिला सिर्फ तेल और ऊपर केवल रेत, किसी को काली मिट्टी मिली कि भाई गेहूं दाल चावल जो चाहे उपजा लो, किसी को अच्छा ब्रेन मिल गया, किसी को आयरन ओर मिल गया, किसी को कैल्शियम ग्रेफाइट की माइंस मिल गई, किसी को कुछ और मिल गया। अब जब तक हम एक दूसरे से डील ना कर लें तब तक तो हमारा जीवन अधूरा है, our life is incomplete। तो ये जो हमने अलग अलग देश बना लिए और इनकी अलग अलग करेंसी बना ली, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अराइज हुई जब हमने आपस में एक दूसरे से डील करना स्टार्ट किया। हमने अमेरिका के लोगों को बोला कि भाई साहब आपके यहां पर जो लैपटॉप बनता है, जो एप्पल आईफोन बनता है, वो जरा हमको इंडिया में भेज दीजिए। अमेरिका ने बोला अरे वाह फैंटास्टिक, हम आपको भेज देते हैं, लेकिन आपके यहां पर बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जरा आप हमको गेहूं दाल चावल सब्जियां फल अल्फांसो मैंगो कैश्यूनट आप हमको भेज दीजिए, हम बड़े क्वालिटी चीजें खाने के शौकीन लोग हैं।
तो या तो हम बार्टर सिस्टम कर लें आपस में, पर वो तो फीजिबल नहीं है बड़े लेवल के इंटरनेशनल ट्रेड में। तो अब क्या होगा, जब मैं अमेरिका से इंपोर्ट करूंगा लैपटॉप, या मैं उनको एक्सपोर्ट करूंगा कोई चीज, लैपटॉप इंपोर्ट करा मैंने यूएसए से, तो पता है क्या प्रॉब्लम मैं फेस करने वाला हूं, मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। मैं यूएस डॉलर कहां से लाऊं, मैंने जो जिंदगी भर कमाया वो इंडियन रुपीस कमाया, अब अगर मैं लोन ले लूं तो भी इंडियन रुपीस में ही मिलेगा, और अगर मैं चोरी कर लूं तो भी इंडियन रुपीस ही मिलेंगे, डॉलर कहां से लाऊं मैं। इसके लिए मुझे एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिस मैकेनिज्म में एक देश की करेंसी इंसर्ट करो तो दूसरे देश की करेंसी निकल के आ जाए। एक मशीन चाहिए, फोटोकॉपी मशीन जैसी, इधर रुपए डाले, बटन दबाया, उधर डॉलर बाहर हो गया। आई नीड दैट एक्चुअली। और ऐसा मैकेनिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। यहां स्क्रीन पर आप ऊपर देख रहे होंगे, देखिए लिखा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज द मैकेनिज्म, इट इज द मशीन बाय विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। ये मैकेनिज्म कोई एक्चुअल ऐसी मशीन नहीं होती है, ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का, बैंक्स का एक नेटवर्क होता है जो काम करता है, और जिसके थ्रू आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, इस नेटवर्क के पास कन्वर्जन देने के लिए करेंसी कहां से आएगी? सर, मैं डीलर के पास जाऊंगा, उसको रुपए दूंगा, वो मुझे डॉलर देगा, पर डीलर के पास डॉलर कहां से आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। भाई ऐसा होगा कि जब इंडिया से किसी ने एक्सपोर्ट करा होगा गुड्स को यूएसए, और वहां से बदले में आए होंगे डॉलर्स। लुक, दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, 100-150 से ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड करेंसीज हैं, पर अब मेरे मुंह से हर बार यूएसए और डॉलर का एग्जाम्पल निकलता है, तो इट्स ऑल राइट, आप थोड़ा इससे काम चला लीजिए। व्हेन आई से यूएसए, उसका मेरा मतलब है कोई भी फॉरेन कंट्री, व्हेन आई से डॉलर, उसका मतलब है कोई भी रेलिवेंट फॉरेन करेंसी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब इंडिया से किसी ने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करा होगा, वहां से डॉलर आए होंगे, अब जब वो डॉलर आए होंगे तो इस बंदे ने, एक्सपोर्टर ने ले जाके ये डॉलर डीलर को दे दिए होंगे, और डीलर ने ये डॉलर रख के रुपए दे दिए होंगे, तो डीलर के पास डॉलर का स्टोरेज है। अब जैसे ही आप डीलर के पास पहुंचे, भाई साहब मुझे लैपटॉप इंपोर्ट करना है, आई नीड डॉलर, तो वो डॉलर आपको दे देगा, बदले में आपसे रुपए ले लेगा। सर, ये सब करके डीलर को क्या फायदा होगा? लुक, डीलर जब डॉलर खरीदेगा किसी बंदे से तो थोड़ा सस्ते रेट मिलेगा, और जब वही डॉलर बेचेगा तो थोड़ा महंगे रेट पर बेच देगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा। सो रिपीट विथ मी, यू मे बी लिसनिंग दिस वीडियो अलोन इन योर बेडरूम, इन योर स्टडी रूम, और आप लैपटॉप या मोबाइल फोन के सामने बैठ के मुझे देख रहे होंगे, या हो सकता है कि किसी फ्रेंचाइजी पर स्क्रीन पर बैठ करके 10 लोगों के साथ आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेटिव रहेंगे और मेरे साथ बात करते चलेंगे, जी हाँ मेरे साथ बात करते चलेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और डाउट्स आते हैं, मोबाइल फोन निकालिए, धड़ 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 व्हाट्सएप भेज दीजिए। व्हाट्सएप भेजने की क्या जरूरत है, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है FM by TM। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? FM by TM एंड्रॉइड ऐप। iOS के लिए, एप्पल के लिए अभी नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर FM by TM टाइप करिए, सर्च करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करिए। साइन अप करते समय सही ईमेल आईडी, सही मोबाइल नंबर डालिए, उसमें ओटीपी आएगा दोनों में, वो इनपुट करिए, आप साइन अप हो जाएंगे। वहां पर बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं, रिवीजन ऑडियोज हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, नोट्स हैं, और वीडियोस भी हैं, हालांकि वो पेड है, सब्सक्राइब्ड है। और इसके अलावा आप मैसेज फैसिलिटी है वहां पे, जहां से आप मैसेज करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, न केवल टेक्स्ट मैसेज बल्कि आप कैमरा से फोटो खींच करके पिक्चर मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं। और बहुत फैसिलिटीज है उस ऐप में, वंडरफुल ऐप है, मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वाकई बहुत अच्छा ऐप है।
सर उस ऐप के फीचर्स हमको कैसे पता चलेंगे? अरे देखो भाई, बहुत सिंपल है, उसमें हाउ टू यूज दिस ऐप का एक फोल्डर दिख जाएगा। जैसे ही आप वीडियो लाइब्रेरी या फुल लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे आपको छोटे छोटे से वीडियोस देखेंगे, पता चल जाएगा कि इस ऐप को कैसे यूज किया जाए। ओके, कमिंग बैक, मुझसे डायलॉग बनाए रखिए, डाउट आए तो FM/TM ऐप पर टेक्स्ट कर दीजिए, आई ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? इट इज द मैकेनिज्म by which currency of one country is converted into currency of another country. रुपया बन जाएगा डॉलर, डॉलर बन जाएगा पाउंड, पाउंड बन जाएगा यूरो, यूरो बन जाएगा जापानीज येन, जापानीज येन बन जाएगा कुवैत दिनार, कुवैत दिनार बन जाएगा ओमान रियाल, ओमान रियाल बन जाएगा पाकिस्तानी रुपया, वो बन जाएगा कुछ और। This is foreign exchange. पर किस रेट पर बनेगा? दैट्स अनदर क्वेश्चन। यस, देयर इज अ मैकेनिज्म वेयर व्हेन आई गिव रूपी आई गेट डॉलर, व्हेन आई गिव डॉलर आई गेट रूपी, बट एट व्हाट रेट, किस भाव पर यह होगा? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट रेट इज टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इंटू अनादर करेंसी। Exchange rate is the rate at which one currency is converted into another currency. जैसे ये देखिए, यहां लिखा है डॉलर वन इज इक्वल टू रुपीज 68। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट कहेंगे। दुनिया भर की कई करेंसीज की एक्सचेंज रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है विच इज नेम्ड एज exi.com, www.exe.com, ये रही स्क्रीन पर exi.com।